अगर फ्री बंडा चाहिए डांस करने वाला आपकी शादी में, तो ऐसा बंडा जरूर मिल जाएगा। तो कमेंट करना जल्दी जल्दी, टक टक करके कमेंट कर दीजिए। तो आज हमारे घर में एक नया मेहमान है। कहाँ से आया, किधर से आया, वो भी पता नहीं। कुछ पूछता हूँ तो वो भी नहीं बताते हैं। तो चलिए देखता हूँ कौन सा मेहमान है, कितना बड़ा है, और कैसा देखता है वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए, ये है, देख सकते हैं, एक छोटा सा डग का बच्चा है, हंस का बच्चा है। तो ये कहाँ से आया, किधर से आया, पता नहीं। जिस थाली में खाना खाने के लिए दिया, उस थाली में वो साला बैठ गया। क्या बात है, कहाँ से आया तू? अरे मेरा उंगली को खाना चाहते हैं। तो ये खाने का चीज नहीं है। और आज सुबह सुबह पहाड़ में गया था, जाके कितना बड़ा सा गोरिल्ला है, देख सकते हैं, ये देखो ना, अल्लाह, हाथी का पैर जैसा है, हाथी का। तुम देख सकते हैं कैसा हुआ, आज भी बड़ा धमाक बारिश आ रहे है यहाँ से। साउंड सुना, साउंड नहीं लगता है पत्थर गिरा शायद, कल रात बर्फ गिरा था, आज भी होगा लगता है मेरे को। नहीं तो इतना साउंड नहीं होता है। इतना आवाज किधर से आया बोल के मैंने देखने के लिए आया, तो सुन रहे हैं यहाँ से पहाड़ थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, लेकिन बारिश का इतना साउंड नहीं होना चाहिए। ये तो पूरा पत्थर गिरा लगता है। थोड़ी देर पहले बादल के बीच में पूरा ग्रम ग्रम ऐसे मतलब आवाज कर रहा था, लेकिन वो साइड का जो बारिश था या बर्फ गिरा था पता नहीं, वो इधर नहीं आया। लेकिन हवा तो काफी जोर से चल रहे है, देख सकते हैं पैर में। तो यहाँ से अगर आएगा ऐसे तूफान हो या बारिश हो या पत्थर गिरा हो, तो ऐसे जरूर आएगा ये साइड में, लेकिन वो साइड से गिरा ऐसे चला गया। लेकिन बादल देख सकते हैं कैसा हुआ, ये तो कभी भी आ सकता है धमाका। रात को पूरा बर्फ गिरा था, मेरे पास वीडियो क्लिप है, देख सकते हैं आप लोग। चलो दिखाता हूँ, ये है देखो, ये घर के अंदर तक है। वाओ, कितना पत्थर गिरा रे, इतना पत्थर गिरा, वाओ, देख सकते हैं ये छोटा छोटा पत्थर है। ओ माय गॉड, बारिश आ गया इधर तक, देख सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा बारिश आ गया लेकिन अभी तक हमारे यहाँ तक नहीं पहुंचा, उधर तक पहुंच गया। ये आ गया, आ गया, ये आ गया। भागो 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 तो देख सकते हैं बारिश आ गया। वाह, मौसम हो गया, थोड़ी देर पहले धूप था और अभी बारिश आ गया। छोटा छोटा बारिश नहीं, पूरा मोटा मोटा बारिश आ गया, मतलब बहुत ठंडी है। पानी ऐसे लगाता हूँ ना हाथ में, बहुत ठंडी लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ से धूप है और इधर से बारिश, बारिश भी है धूप भी है, देख सकते हैं धूप भी है, ऊपर देखो धूप भी है और बारिश भी है। पहले जमाने में हम लोगों को जो दादा दादी लोग था ना, वो लोग बोला था कि ऐसा धूप भी आता है और बारिश भी आता है, तो क्या बोलता है मालूम है, रोटी रोटी पानी पड़े, पानी का मतलब है तो मालूम है बारिश दिखता है उसको बोलता है होता ही और बिया तमूल चिड़की तमूल कटे मुको खंडिया। ऐसे बोला था देख सकते हैं पूरा बारिश भी है धूप भी है, ऐसा कैसा मौसम है, धूप भी है बारिश भी है और थोड़ा थोड़ा बर्फ भी गिरने लगा, यानी पत्थर गिरने लगा एक दो करके। अभी मैंने एक उठाया था इधर इस टिफिन में, हमारे आदित्य को दिया था, ये पूरा आइस लेने के लिए रुका है। तो बारिश भी आता है और धूप भी आता है, देखो इधर के धूप और बारिश, क्या जमाना है ये, कौन सा लीला है ये। हमारे यहाँ पे भी एक दो
आइस गिरा था वो साइड में पहले दिखा था मैंने, वो साइड में जरूर बहुत आइस गिरा होगा इसलिए इतना आवाज़ किया था। हमारा यहाँ पर थोड़ा एक दो गिरने लगा था लेकिन बाद में सिर्फ बारिश गिरा, बर्फ नहीं गिरा। और रात को बहुत गिरा था लेकिन पता नहीं कैसा लीला है ये, धूप भी है बारिश भी है, ऐसे दोनों चीज़ एक ही साथ देखने को मिला आज बहुत दिनों के बाद। क्योंकि नहीं तो धूप देता है नहीं तो बारिश देता है, आज तो दोनों दिया, धूप भी है बारिश भी है, देख सकते अभी भी है। देखो ये मैं दिखा, हाथ दिखाया मैंने, देखो ये धूप है। और ऐसे अगर एक साइड में धूप एक साइड में बारिश देता है ना तो रेनबो निकलते हैं, ये साइड में शायद रेनबो निकल गया थोड़ी देर बाद। थोड़ा थोड़ा दिखा दिया उधर से जो इंद्रधनुष है ना वो दिखाई देता है रेनबो, रेनबो थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखाई दिया, कैमरा में दिखाई नहीं देगा क्योंकि मतलब आंखों से इतना कम दिखाई दिया तो कैमरा में दिखाई नहीं देगा तो इसलिए। अरे तो और मैंने गया था इंद्रधनुष देखने के लिए लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया तो अच्छा से दिखाई नहीं दिया, मतलब इतना क्लियरली नहीं निकला, थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, इतना कलर को मतलब सबसे देखने को नहीं मिला तो इसलिए आ गया दोनों। अभी मैं जा रहा हूँ एक शादी में, वो भी किस में देख सकते हैं, ई रिक्शा, टमटम, पिलपिली, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। और ये गाड़ी ना इंडिया की हर गली हर कोने में बहुत सारा मिलता है, आजकल हमारे गांव एरिया में भी मिलने लगा, देख सकते हैं ये, देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये है डोई छीरा, असम की फेमस चीज़ है। और साथ में जो दिया ये लाल लाल ये गुड़ है, और इसको खाने के लिए टेबल चेयर नहीं चाहिए तो ज़मीन में बैठ के मैं खाऊंगा अभी इसको। और अभी देख सकते हैं शादी में कैसे डांस कर रहे हैं, अगर आपके शादी में भी ऐसा डांसर चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, ये लोग फ्री में डांस करेगा आपके शादी में। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यू नहीं है कुछ भी नहीं है फिर भी हमारे घर में जो ये देखा आप लोग ये कोई आटा यानी मैदा से नहीं बनाया है, ये लोकल चावल से बनाया गया है, इसको यानी देखने में मैदा जैसा लगता है उसका है, तो ये अलग चावल है, इसका नाम है बड़ा चावल, तो ये ही है। और कढ़ाई में देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले मैं देख सकते हैं हमारा उस्ताद क्या बना रहे हैं, ये ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग पूरा यहाँ पे, तो इसको ब्रश लिया, इसमें कलर है यहाँ पे पूरा सारा कलर है, तो ड्राइंग मैन बन रहे हैं, मतलब ये क्या बना रहे हैं आप लोग, देखिए प्राकृतिक दृश्य। मैंने बोला था सबसे पहले तो दोस्तों आज मैं ऐसा एक रेसिपी बनाने वाला हूँ, मतलब आपके पास अगर टाइम भी नहीं है और ज़रा सब्जी भी नहीं है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो काम करेंगे जो मैं अभी बनाने वाला हूँ, तो देखते रहिए। सबसे पहले मैंने क्या लिया देख सकते हैं, अदरक प्याज और मिर्ची का कुछ कटा हुआ उसमें डाल दिया और थोड़ा टाइम उसको, और देख सकते हैं ये चीज देखा है ना आप लोग, आप लोगों को तो पता है ये क्या है, तो इसको डालेंगे इसमें, तो मैंने डाल दिया देख सकते हैं। और अभी इसको थोड़ा टाइम फ्राई करेंगे, तो अभी ये देख सकते हैं फ्राई हो गया, और इसमें डालेंगे मैंने ये देख सकते हैं आप लोग टमाटो, तो इसको भी डालेंगे यहाँ पे, देखा आप लोग मैंने जो बना रहा हूँ ये सबसे जल्दी होने वाला है। अगर आपका कहीं जाने का टाइम है और आपके पास ज़रा टाइम नहीं है उस टाइम अगर कुछ खा के जाना है तो यही सबसे बेस्ट सब्जी है, जल्दी होता है, तो इसलिए मैंने ये बनाया, तो अभी मेरे को भी जल्दी खाना है इसलिए। और इसमें अगर कुछ मसाला वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैंने कुछ भी मसाला नहीं डालूंगा, तो इतना ही है, सिर्फ ये जो टमाटो है ये मेल जब होगा तब मैं इसको निकालेंगे और खत्म। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं अगर कहीं जल्दी जाना है तो, अगर टाइम नहीं है तो आपके पास, लेकिन खाके तो जाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए यही तरीका मैंने आपको दिखाया।
लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, सबसे पहले टोमेटो को फ्राई करता है यानी मेल कर लेता है, उसके बाद अंडा को डाल देता है। लेकिन मैंने आज उल्टा तरीके किया, सबसे पहले अंडे को दिया उसके बाद ही मैं टोमेटो डाला। मतलब अगर आपने पहले टोमेटो डालेगा और उसके बाद अंडा डालेगा तो थोड़ा क्या होता है, ग्रेवी ग्रेवी जैसा होता है। मैंने ऐसा नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने इसलिए अंडा को पहले फ्राई किया उसके बाद ही मैं टमाटो डाला। लेकिन तब क्या होता है, थोड़ा अंडा ऐसा रहता है, मतलब हार्ड हार्ड जैसा रहता है, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया।